हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम वैशाली और आज के अपने इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रोनी के बारे में। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ऑल द सीड्स इन जनरल आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो सीड्स होते हैं वो हमारे फर्टिलाइजेशन के थ्रू ही बनते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिल करके जाइगोट बनाते हैं। देन आपका क्या होता है, जाइगोट से आपका फर्दर आपका डेवलपमेंट चलता है, आपका उससे आपका एम्ब्रियो बनता है और साथ ही साथ जो आपके जो सीड जो है वो बन करके तैयार होते हैं। अ फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज सम स्पीसीज ऑफ एस्ट्रेसी एंड ग्रासेस फैमिली, यानी कि जो आपकी एस्ट्रेसी फैमिली है और जिसमें आपकी ग्रासेस आती हैं, उनमें क्या होता है कि आपकी उनमें एक स्पेशल मैकेनिज्म देखने को मिलता है टू प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि उसमें क्या होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड बन करके आपके तैयार हो जाते हैं। जबकि जनरली आपका क्या होता है, ऐसा नहीं होता, सीड जो होते हैं फर्टिलाइजेशन के थ्रू बनते हैं, यानी कि वो आपका फिनोमिनन जिसमें आपका बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड बनते हैं क्या होता है, एपोमिक्सिस। व्हाट इज द फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड, लेकिन अगर बिना फर्टिलाइजेशन के क्या हो रहा है, फ्रूट बन रहे हैं, तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी। ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, अगर हमारा फ्रूट बन रहे हैं बिना फर्टिलाइजेशन के तो है पार्थेनोजेनेसिस, और अगर आपका क्या है, आपकी जो सीड बन रहे हैं अगर उसके बिना फर्टिलाइजेशन के, तो वो क्या है आपका, एपोमिक्सिस। और इस टाइप के फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी फ्रूट। देन आपका क्या है, दस एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि देखिए फर्टिलाइजेशन तो हो ही नहीं रहा है, तो फर्टिलाइजेशन जब होता है वो किस में होता है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन इसमें क्या होता है, डायरेक्ट आपका सीड बन रहे हैं तो क्या आपका है, तो ये एक ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस, लेकिन किस तरह बिहेव करती है, जैसे कि ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है। देर आर सेवरल वेज टू डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड एंड इन सम स्पीसीज द डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी क्या होता है कि कुछ स्पीसीज में ऐसा होता है कि जो डिप्लॉयड एग सेल होती है वो बिना रिडक्शन डिवीजन के ही डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती है। हम पीछे पढ़ भी चुके हैं कि जब भी आपको क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन बनती है तो पहले एक रिडक्शन डिवीजन होता है, यानी कि आपका क्या होता है, म्यूसिस होता है, और रिडक्शन डिवीजन के थ्रू ही आपको क्या होता है, क्रोमोसोम के नंबर इक्वल रहती है, क्योंकि जो आपकी स्पीसीज होगी उसमें जब नेक्स्ट आपकी जो जनरेशन बनेगी तो गैमेट में क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैरी करे जाते हैं, दूसरे गैमेट में भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैरी करे जाते हैं, तो फ्यूजन के थ्रू क्या होता है, आपका डिप्लॉयड सेल बन करके तैयार होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो एग सेल है वो उसमें रिडक्शन डिवीजन नहीं होता और डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाती है, आपकी एम्ब्रियो में। मोर ओफन एज इन मैनी सिट्रस एंड मैंगो वेराइटीज, सम ऑफ द न्यू सेलर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग एंड प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियोस। दूसरी कंडीशन क्या है कि क्या होता है कि जो एम्ब्रियो सैक है, इसको आप डायग्राम से क्लियर कर सकते हैं, जैसे ये आपका ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर क्या होती है, हमारी एम्ब्रियो सैक होती है, और साइड में जो आपकी टिश्यूज होते हैं क्या प्रेजेंट होता है, आपका न्यू सेल्स, तो ये क्या होती है आपकी, इसी कुछ सेल जो होती है वो एम्ब्रियो सैक में अंदर आ जाती हैं, और जब एम्ब्रियो सैक में अंदर आ जाती है तो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाती है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये भी क्या है आपका, एक तरह से एपोमिक्सिस का ही टाइप है। नेक्स्ट हमारा आता है, इन सच स्पीसीज ईच ओव्यूल कंटेन मैनी एम्ब्रियो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ओव्यूल एक होगा लेकिन उसके अंदर क्या होते हैं, काफ़ी सारे एम्ब्रियोज होते हैं, क्योंकि जो आपकी न्यूसेलस की सेल होती है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री कर जाती है। देन आपका अक्यूरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज रिफर टू एज पोलियो एम्ब्रियोनी, यानी एक सीड के अंदर ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका सीड में, एक सीड के अंदर काफ़ी सारे आपके जब एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं, वन से ज़्यादा अगर आपके एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं, तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, पोली एम्ब्रियोनी। फिर उन्होंने कहा अलग अलग आपको क्या है कि ओरेंजेस के आपके जो सीड है उनको लीजिए, उनमें से आपका एम्ब्रियो का साइज जो है वो देखिए अलग अलग क्या होता है, ये आपका जो है एक सीड के अंदर काफ़ी सारे ओव्यूल काफ़ी सारे एम्ब्रियो जो होते हैं उनको अलग अलग स्टडी करना बताया गया है। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट पैराग्राफ, हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल ऑफ अवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर बींग एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड,
कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड हैज ट्रीमेंडसली इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। होता क्या है कि देखिए आपको जो हाइब्रिड वेराइटीज़ है आजकल वो ज़्यादा यूज़ करी जाती हैं, क्योंकि क्या होता है हाइब्रिड वेराइटीज़ होती हैं डिजीज़ फ्री होती हैं, इनसे आपको जो यील्ड होती है यानी जो इसके साथ फसल होती है वो ज़्यादा होती है, तो वो काफ़ी सारा जो है इनका अच्छा काम होता है हाइब्रिड वेराइटीज़ का। इसमें क्या होता है डिज़ायर्ड करेक्टर जो होते हैं, जो हम चाहते हैं वही करेक्टर हमारे नेक्स्ट जनरेशन में हमको मिलते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो अगर हम हाइब्रिड वेराइटीज़ को कल्टीवेट कर रहे हैं तो इससे क्या होता है हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द हाइब्रिड इज दैट हाइब्रिड सीड हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर, यानी कि हमें हाइब्रिड सीड जो होते हैं वो हर बार बनाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सीड लगाया उससे जो नया प्लांट आपका बनता है उस पर जो सीड आएंगे उनको हम दोबारा से लगा करके आपका जो है वही प्रोडक्टिविटी हमें मिल जाए। होता क्या है कि जब हाइब्रिड सीड को आप एक बार लगा देते हैं उसे जो नेक्स्ट आपकी जो सपोज करिए कोई भी आपको क्रॉप मिली है तो उसके जो आपके सीड होंगे वो उनके अंदर जो हाइब्रिड करेक्टर है वो नहीं रहते, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि वो हमारे यहाँ पे हमें हर साल जो होता है नए आपके हाइब्रिड सीड बनाने पड़ते हैं। इफ़ द सीड कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड आर शोन द प्लांट इन द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट एंड डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड करेक्टर, यानी कि जो हाइब्रिड सीड आपके लगाते हैं उसे जो नेक्स्ट जनरेशन यानी प्रोजेनी जो बनकर के तैयार होती है उसमें जो करेक्टर होते हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं और उसमें आपके हाइब्रिड करेक्टर नहीं रहते। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज कॉस्टली एंड हैंस द कॉस्ट ऑफ द हाइब्रिड सीड बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर्स, तो फार्मर जो होते हैं उनके लिए हर साल जो हाइब्रिड सीड है वो ले पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हाइब्रिड सीड जो होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं जिससे आपका क्या होगा खर्चा जो है वो ज़्यादा आएगा और वो इस वजह से क्या होता है हर साल हाइब्रिड सीड नहीं ले पाते। एंड इफ दीज हाइब्रिड्स आर मेड इन टू एपोमिक्स, यानी अगर हम इन सीड को हाइब्रिड जो आपकी हाइब्रिड हमने वेराइटी लिया उन सीड को उनको क्या कर दी जाए अगर उनमें एपोमिक्सिस डेवलप करी जाए तो क्या होता है कैरेक्टर का सेग्रीगेशन नहीं होगा और हाइब्रिड प्रोजेनी ही बनकर के तैयार होगी। क्योंकि देखिए आपका जो कैरेक्टर होंगे वो सेग्रीगेट कब होंगे, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि उसमें ही गैमेट आपका जो होता है अलग अलग जाते हैं, गैमेट में कैरेक्टर जाते हैं अलग अलग। लेकिन अगर क्या होगा बिना आपका फर्टिलाइजेशन के ही डायरेक्ट आपका जो है किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, सीड में आपका जो है कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो क्या होता है कि इसमें बिना फर्टिलाइजेशन के सीड आपका डेवलप हो जाएगा, तो क्या होगा जो कैरेक्टर पहले थे सेम वही आपके जो है बाद में भी रहते हैं। एंड देन द फार्मर्स कैन कीप ऑन यूजिंग द हाइब्रिड सीड टू रेज न्यू क्रॉप आफ्टर ईयर आफ्टर एंड ही डज नॉट हैव टू बाय हाइब्रिड सीड एवरी ईयर, तो उनको कोई ज़रूरत नहीं रहेगी हर साल हाइब्रिड सीड यूज़ करने की, क्योंकि क्या होगा कि डायरेक्ट आपके जो है सीड बना दी जाएंगे बिना फर्टिलाइजेशन के। और फर्टिलाइजेशन में ही ऐसा होता है कि आपका जो है करेक्टर जो है सेग्रीगेट होते हैं, जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो क्या होता है डायरेक्ट आपका सीड में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका जो करेक्टर थे वो एज इट इज रहेंगे। बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द एपोमिक्सिस इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री एक्टिव रिसर्च इज गोइंग ऑन इन मैनी लेबोरेटरीज अराउंड द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक्स ऑफ एपोमिक्सिस एंड टू ट्रांसफर एपोमिक्टिक जीन्स इन टू हाइब्रिड वेराइटीज, तो इस पर आपकी जो है रिसर्च चल रही है जिससे कि हम क्या कर सकें एपोमिक्सिस का जो जीन है जिसकी वजह से एपोमिक्सिस होती है उसको फाइंड आउट कर लिया जाए और उससे हाइब्रिड वेराइटीज आपकी बनाई जाए और उसमें उनको इंसर्ट कर दिया जाए, जिससे कि आपका जो है डायरेक्ट आपके जो है सीड ऐसे प्रोड्यूस्ड हो जो वही आपके करेक्टर लिए हुए होंगे जैसे कि आपके पहली वेराइटी में थे। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर सेकंड जो है यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो रहा है, एपोमिक्सिस और पोलियम्ब्रोनी हमारा लास्ट टॉपिक था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो इसमें आपके दिए गए हैं। तो अगर वीडियो बेनिफिशियल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और न्यू वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।